दोस्तों आप सभी को इतना पता तो चल ही गया होगा कि हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार काम नहीं कर रहे, लेकिन उसका रियल रीजन क्या है? क्या पैसे के चक्कर है, या फिर अक्षय कुमार का बिजी टाइम, या फिर मूवी की स्क्रिप्ट, या फिर कोई और रीजन? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो यारो, हेरा फेरी फ्रेंचाइज सिर्फ मूवी नहीं बल्कि इमोशन है। और यारो, जब भी आप सोचते हैं राजू के कैरेक्टर के बारे में तो आपके दिमाग में बस अक्षय कुमार की जगह कोई और आता ही नहीं है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि अक्षय कुमार की जगह पर हेरा फेरी 3 में काम करने वाले हैं कार्तिक आर्यन भी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, लेकिन राजू के रोल के लिए जो ऑडियंस के मन में इमोशंस है, इसीलिए भाई नो अक्षय नो हेरा फेरी या फिर नो राजू नो हेरा फेरी ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं। बट आखिर उसके बाद भी अक्षय कुमार ने इस मूवी के लिए मना क्यों कर दिया? यही सवाल जब मैंने अपने किसी फ्रेंड से पूछा तो उसने ऐसा कहा, भाई अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 क्यों नहीं कर रहा है? भाई इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि स्क्रिप्ट उसकी जो खराब हो गई, इस वजह से वो कर नहीं रहा। तो बच्चन पांडे फिर? तो भाई जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है इसलिए अक्षय कुमार ने मना कर दिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि यार अगर ऐसा होता तो वहाँ पर अक्षय भाई अपना सजेशन दे सकते थे कि हाँ स्क्रिप्ट में कुछ चेंज कर दो। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि जो मूवी के प्रोड्यूसर है वो ऐसा नहीं करते। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्षय कुमार सर जो इस समय मूवी बना रहे उसमें वो एक मूवी की शूटिंग के लिए बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं, इसीलिए भाई हम लोग को पृथ्वीराज जैसी मूवी मिल गई थी। यानी कि अक्षय कुमार सर का जो डायलॉग है कि भाई 25 दिन में पैसा डबल, वो वही काम कर रहे हैं मूवीज के लिए कि भाई 25 दिन में मूवी की शूटिंग। लेकिन ये अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और टाइम की कदर तो भाई होनी ही चाहिए। तो अभी ये पॉइंट आप नोट कर लो, आगे बताएंगे कि भाई किसने कहा था। और भाई सबसे मेन जो रीजन है ना वो है पैसा। तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है फिरोज जी और इस मूवी का बजट होने वाला है अप्रोक्स 120 करोड़ के आसपास, लेकिन अक्षय कुमार ने जो डिमांड की अपनी फीस की वो है अप्रोक्स 95 से 100 करोड़, जो कि उनकी नॉर्मल फीस है इस टाइम पर। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने अक्षय कुमार को ऑफर दिया था 60 से 65 करोड़, तो उसमें अक्षय कुमार सर नहीं माने, क्योंकि उसका रीजन भी है क्योंकि वो अगर बाकी सभी मूवीज में 90 करोड़ पर चार्ज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वो 60 में काम करेंगे तो बाकी मूवीज में भी उनको फीस कम करनी पड़ जाएगी। मतलब भाई एक मूवी करने से उनका काफी नुकसान हो जाएगा। और वहीं पर इस साल कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 मूवी आई थी जो कि अक्की के मूवी का सेकंड पार्ट था और इसने कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर लगभग 185 करोड़ रुपए और इसका बजट था लगभग 80 करोड़। उसके बाद इस मूवी ने अपने राइट्स बेचे, वहां से पैसा कमाया। इस चीज को मूवी के प्रोड्यूसर ने भी देखा ही होगा और ऐसा सुनने में आ रहा कि कार्तिक आर्यन को हेरा फेरी 3 के लिए दिए गए हैं लगभग 40 से 45 करोड़ के बीच में। कहां भाई 90 और कहां पर 45, यानी कि पैसे आधे हो गए। वहीं पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि अक्षय कुमार सर यहां पर पैसे तो ज्यादा लेंगे ही, जो कि क्योंकि उन्होंने भाई काम ही ऐसा किया है, इतने अच्छे काम किए हैं इससे पहले, लेकिन उसके बाद वो टाइम भी कम देंगे। तो यानी कि एज अ प्रोड्यूसर जो कि मूवी बनाने जा रहा है उसके लिए फायदे की डील तो यही है कि वो कार्तिक आर्यन को साइन कर ले, क्योंकि यहां पर अक्षय कुमार सर के होने से इस मूवी का बजट हो जाएगा सीधे 150 करोड़ के पार और वहीं पर कार्तिक आर्यन के होने से इस मूवी का बजट होगा लगभग 120 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर अक्षय कुमार सर भी सही अपनी जगह पर और प्रोड्यूसर भी सही अपनी जगह पर। तो इन सब के चक्कर में बस ऑडियंस का कट गया और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यार हम सभी राजू के रोल में अक्षय कुमार सर को देखना चाहते थे, ना कि किसी और एक्टर को। और हाँ, जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि एमसीयू की मूवीज की शूटिंग भी 2 महीने में खत्म हो जाती है तो वो बात सही है और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, लेकिन जरा एक बात ध्यान से सुनो, वहाँ पर होता क्या है कि अगर मूवी का बजट है 200 मिलियन डॉलर तो यहाँ पर जो मूवी का मेन एक्टर फीस चार्ज करता है वो होती है लगभग 20 मिलियन डॉलर के आसपास, यानी कि मूवी के बजट का लगभग 10%। जबकि बॉलीवुड में क्या होता है कि मूवी का जितना बजट है उसका आधा, कभी कभी तो भाई आधे से भी ज्यादा पैसा देना पड़ता है मेन एक्टर को। लेकिन हॉलीवुड में क्या होता है कि जो फीस होती है वो थोड़ी सी कम होती है, मतलब काफी कम होती है बॉलीवुड के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में डील कुछ ऐसे होती है कि अगर मूवी ने जितना प्रॉफिट किया उसमें से कुछ परसेंट मिल जाएगा मूवी के मेन एक्टर को। और इससे भाई दो फायदे होते हैं, पहला जो एक्टर काम कर रहा है वो अच्छे से मूवी को चूज करेगा, उसके बाद वो और भी अच्छे से काम करेगा और जो स्क्रिप्ट है उस पर भी और भी अच्छे से ध्यान देगा, क्योंकि अगर मूवी हिट होती तो भाई जाहिर सी बात है कि एक्टर का भी फायदा है और इससे फायदा होगा ऑडियंस का भी, क्योंकि जो इंडियन मूवीज है वो भी और भी अच्छी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन इन सभी के बीच में एक अच्छी खबर ये है कि एसएस राजामौली सर ने RRR2 पर काम चल रहा है ऐसा कंफर्म कर दिया है और उनके ही फादर विजेंद्र प्रसाद जी इसकी स्टोरी पर काम कर रहे हैं। तो अभी तो उनकी नेक्स्ट मूवी आ रही महेश बाबू, शायद हम लोग को उसके बाद RRR2 देखने को मिल जाए। और हां, जो भी थोड़े से इमोशनल फैन है वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अक्षय कुमार सर फीस कम करके ही इस मूवी में काम कर लेते ऑडियंस के लिए, तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनका कितना नुकसान होने वाला था उससे। और यारो, इंड में तो पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बोलो जुबा केसरी नहीं होता। तो यारो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ यारो, अगर चैनल पर नए तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, पीस आउट।